गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अब कहीं जाके फाइनली 7:15 का टाइम हो चुका है और हमारे बोटी जी, पहले तो बोटी राम राम बोल दो। राम राम। तो नाम भी बता दो अपना। दुर्गा राम। दुर्गा राम। गांव भी बता दो। गांव लुरानी। गांव लुरानी। और इनकी टीम फैमिली को, तो ये सब इनकी टीम है भाई। कितने बंदे आपके पास? वैसे तो है 10-12। तो 10-12 बंदों की टीम है गाइस। तो जिसको भी अगर चाहिए हो गई बोटी हमारे, तो बोटी जी अपना नंबर बता दीजिए पहले। 98170-16419। तो ये बोटी जी का नंबर है। तो बोटी जी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे जो के साधु साहब जी हैं तो उनकी रिटायरमेंट है, तो तगड़ा फंक्शन होगा ये, तो मेरे को पता है आप मंजे हुए बोटी हैं आप, है ना। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो चलते हैं गाइज आगे। हाय गाइज, तो अब जो है, अब जो कि हमारे साधु साहब जी हैं तो वो बर्ठी में पहुंच चुके हैं, उनके लिए रेस्ट हाउस में जो थी वो बुकिंग हुई थी। तो अब हम यहां से निकल चुके हैं और मेरे साथ हमारे फोटोग्राफर जेस भाई जी। तो अब चलते हैं गाइस आगे, और साथ में आलोक जम्वाल। हेलो गाइस। हेलो। और साथ में हमारे बड़े भाई जी भी। हाय। तो अब मिलते हैं गाइस बर्ठी में, जहाँ पे उनका मतलब बंदोबस्त किया हुआ है। तो आर्मी वाले जो है वो वहाँ पे स्वागत के लिए आ चुके हैं। तो चलते हैं गाइस आगे। अब कहीं जाके फाइनली अपने रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। तो बता। हे गाइस, तो बड़ी बेसब्री से आज के दिन का इंतजार था। तो 3 दिन पहले मैं आपको बताया था मैंने कि मैं पहाड़ी मुंडा अपने यूट्यूब में अपने जो कि हमारे साडू जी हैं, अब फौज से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो अब गाइस उनसे मिलाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारे साहब जी, साडू जी, तो साहब अपना रिस्पांस दीजिए पहले, तो नाम बताना अपना। हेलो गाइस, मैं सुविधा जसवंत सिंह, 4 जैक रेफर। मैं 28 साल सर्विस करके मैं 26 दिसंबर 94 को फौज में इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया था, और अब 31 दिसंबर 2022 को 28 साल सर्विस पूरी करके वापस अपने घर आया हूँ। यह सर्विस मैं अपनी पूरी अपने बीवी, बच्चों और भाई या भाभी की वजह से ही 28 साल कर पाया हूँ, क्योंकि घर में प्रॉब्लम बहुत होती है, पर इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से मैंने 28 साल सर्विस पूरी की है। मैंने 28 साल पूरा सेना में रहते हुए सेवा, देश सेवा की है, और अब मैं घर में आकर जो है अपना समाज सेवा करने की पूरी अपनी साइड से कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और साथ में हमारे दूसरे साहब जी जो के साथ में ही इनके साथ ही भर्ती हुए थे और इन्हीं के साथ 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 जो है आज सेवानिवृत्त हुए, तो दो शब्द आप भी बोलिए साहब जी। हेलो गाइस, मैं सुविधार देशराज, गांव त्रेलू। मैं भी ठीक 26/12/1994 को सेना में गया था, और अभी 31 दिसंबर 2022 को मैं सेना से रिटायर हो गया हूँ, और आज 3 तारीख है, 3 तारीख को जो मैं अपने घर में जा रहा हूँ। जैसे कि सुविधार जसवंत साहब ने बताया कि बंदा फौज के बीच में नौकरी तभी कर सकता है अगर पूरा घर परिवार साथ देने वाला है। अगर घर परिवार का साथ नहीं मिलो तो फौज से जल्दी आना पड़ता है, 17 साल करके आ सकता है, 24 करके आ सकता है, लेकिन हमारे को मौका मिला। हमारे परिवार के भाइयों ने, मिसिज ने, सभी ने हमारा सहयोग दिया, इसकी वजह से जो हम पूरी अपनी 28 साल सर्विस करके अभी अपने परिवार के साथ रहेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और आप लोगों के साथ भी बने रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय जय। साथ में हमारे साहब जी, इनको तो पहचानते हैं आप, साहब जी अपना आप भी रिस्पांस दे दीजिए। हेलो गाइस, मैं सदर मेजर ऑर्डरी कैप्टन कुलवीर सिंह। आज मेरे को बहुत ही खुशी है कि मेरा छोटा भाई 28 साल सेना में सर्विस करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इन्होंने तन मन ढंग से पूरे डेडिकेशन से देश की सेवा की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 28 साल बिल्कुल सही सलामत अपने घर आ रहे हैं, और हमें बहुत ही खुशी है। हम भगवान से कामना करते हैं कि इनकी आगे की जो जिंदगी है बहुत ही खुशी और समृद्धि से व्यतीत हो। धन्यवाद, धन्यवाद। और साथ में हमारे भाई जी के, तो भाई जी आप भी दो शब्द आपने बोलिए आप भी। हमें बहुत खुशी है कि हमारे भाई साहब पूरी 28 साल सर्विस करके, देश सेवा करके जिस प्रकार से फौज में भर्ती हुए थे और उसी प्रकार सही सलामत अपने घर में पहुंचे हैं, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है। और साथ में अपना भी परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश सिंह है, और मैं बी आर्मी में ज्वाइन, सुरेश है, और मैं बी आर्मी में ज्वाइन हूं, और 24 साल मेरी सर्विस हो रखी है, और
आगे भी देश सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। थोड़े दो साल बाद हम भी घर में आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये हैं इनके बेटे छोटे आलोक जम्वाल जी। तो दो शब्द आलोक जम्वाल भी आप भी बोलिए। आपको आज कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे पापा रिटायर आ रहे हैं, पहले सबसे छोटे थे तब भर्ती हुए थे, सबसे पहले भर्ती हुए थे और जो बड़े भाई थे वो लेट लगे थे और उससे बात कर भी हम। तो आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो गाइस अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जो कि इंडियन आर्मी है। तो बड़े ही गर्व की बात महसूस करता हूं। मेरा भी बहुत बहुत ज्यादा इसमें जुनून था, लेकिन मुकद्दर की बात होती है। जैसे कि साहब जी ने बोला, मैं भी कम से कम 30 भर्ती लगाई हुई है लेकिन हुए नहीं, तो वो हमारा मुकद्दर है। लेकिन चलो फिर भी हम दिल की गहराइयों से सैल्यूट करते हैं। और जो कि हमारे आगे अग्निवीर हैं तो उनके लिए भी मैं यही बोलूंगा, जो कि हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर बच्चे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्मी में जाने की कोशिश कीजिएगा। और जो कि हमारा भारत है तो उसको, जो कि तिरंगा झंडा है तो ऊंचा रहे और लहराता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। बाय। अभी जो कि हमारे यहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे पहले अपने कैप्टन संजय साहब जी, तो ये हमारे कैप्टन साहब जी, तो इनसे आपकी रूबरू बात करवाऊंगा। जो कि हमारे यहाँ पे जितने भी इंडियन आर्मी के रिटायर होते हैं, अफसर हो गए या चाहे जिस अहदे के जो भी, जो कि हमारे साहिबान साहब आते हैं तो वो इनका स्वागत करते हैं। तो बात करते हैं अब इनसे। संजय साहब जी, मैं कैप्टन संजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण समिति हिमाचल प्रदेश। हमारा यहाँ पे कोई 200-250 आदमियों का ग्रुप है नियर बाय में, अपने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। हिमाचल में हम तकरीबन 3,000 का ग्रुप है हमारा। जो भी एक्सेसमैन किसी भी रेजिमेंट से, किसी भी ग्रुप से आता है, हम उसका यहाँ पे आने पे स्वागत करते हैं और उनको अपने इस ग्रुप में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक साहब। और ये अब आज हमारे साथ हमारे सूबेदार जसवंत सिंह सियोता से और सूबेदार देशदार गौतम जी तेलू से 28 साल अपनी बहुत अच्छी सेवा फौज में करके आए हैं। हम इनके वेलकम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं कामना करता हूँ दुर्गा माता से कि जिस प्रकार उन्होंने फौज में रहते हुए अपनी सेवाएं बखूबी दी हैं, उसी प्रकार अभी शिविर में आके हमारे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहें। एक परिवार हम छोड़ के आ रहे हैं और दूसरा जो हमारा यहाँ पूर्व सैनिक कल्याण समिति के नाम से हमारा जो संगठन है उसमें हमारे साथ चलें, हमारे साथ रहें, ताकि हम जैसे फौज में थे वैसे ही अपने आप को यहाँ महसूस करें। जय हिंद। ये जो प्रथा चलाई गई है, ये हमारे समिति के जो पहले प्रदेशाध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद जी, उनके द्वारा चलाई गई है, उनके द्वारा ये संगठन खड़ा किया गया है। और हमें आज बहुत बड़ी खुशी होती है कि हम इतने आदमी यहाँ इनके स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं। हालांकि सुबह सुबह का मौसम है, ठंड भी बहुत है, रास्ते में गाड़ी में अगर निकलना हो तो धुंध में कुछ दिखाई देता है। तो ये इसके जो संगठन है, इसके लिए जो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, इसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष सुधा प्रकाश चंद जी का बहुत 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 योगदान है। उनके मार्गदर्शन पे ही हमें पता ही चलता है कि हम फौज में या शिविर में है, इसलिए हम उनको आज इस उसमें याद करके बहुत गौरवान्वित कर रहे हैं अपने आप को। धन्यवाद।
तरह से इन्होंने अपना जो कि इंतजाम था तो वो पूरा किया, बखूबी निभाया। दोस्तों अब जो है अब यहाँ से हमारे दो के दोनों फौजी भाई आए हुए थे यहाँ पे रेस्ट हाउस में, तो अब इनका यहाँ से विदाई होगी। अब यहाँ से जो कि हमारे जितने भी एक्स सर्विस मैन फौजी हैं तो वो इनका स्वागत करेंगे और हार फार वगैरह पहना के तो अपने अपने घर को दोनों फौजी जो हैं वो जाएंगे। तो गाइस चलते हैं आगे। मैं पहाड़ी मुड़ा दोनों फौजियों को अपनी यूट्यूब की फैमिली की तरफ से लख लख बधाई देता हूं। जैसा कि आपने सर्विस ज्वाइन की थी तो अब जो कि आप सिविल में आए हुए हैं तो मैं भगवान से ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपका जीवन जो है वो मंगलम हो और सबके दिलों में आपका जो कि बसेरा, जैसा कि आपने फौज में डंका बजाया 28 साल, वैसे ही आप लंबी से लंबी आयु हो और अपने जो कि सिविल हमारी जीवन होता है तो उसमें अच्छा आपका व्यतीत हो। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तरह से इनका स्वागत किया और जितने भी इनके दोनों पक्ष के जो थे इनके घर वाले या रिश्तेदार कोई भी थे तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से घर से आए हुए थे तो हर एक जितने भी आए हुए थे तो उन्होंने अच्छा स्वागत किया और अच्छा ही अच्छी बात लगती है और एक अच्छा मैसेज जाता है। तो गाइस